आज का जो मुकबांग में है पनीर का सब्जी और थोड़ा सा वो ले लिया गया है कुरकुरी, और यहाँ पे है खिचड़ी, मणिपुरी खिचड़ी। तो गाइस ये खाने वाला है आज का मुकबांग पे, तो चलिए देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज फिर से मैं मुकबांग करने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस आज संडे है एक्चुअली, तो उसके कारण मैं मुकबांग करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर है पनीर का सब्जी, तो पनीर का सब्जी को निकाल लेते हैं, और यहाँ पर है कुरकुरी, और यहाँ पर मणिपुरी खिचड़ी। तो पहले खिचड़ी को दबा लेते हैं, उसके बाद पनीर दबाएंगे, ठीक है? नहीं तो ट्राई करते हैं कि मतलब खिचड़ी के साथ पनीर कैसा लगता है, ठीक है? तो पनीर को भी थोड़ा सा ले लेते हैं इधर पर। चना भी डाला हुआ है यहाँ पे, क्या चना बोलते हैं इसको, कबली चना ना क्या बोलते हैं ना, देखते हैं। थोड़ा सा फ्रेश बना लेते हैं। पनीर का पीस, और ये पनीर घर पे बनाया गया है। सो गाइस कल मतलब मेरा चैनल मतलब क्या हो गया था बताने जा रहा है, जो मोनेटाइज का ऑप्शन था डॉलर साइन वो गायब हो गया था। सुना है कि सबका हो रहा है, लेकिन फिर से आ गया आज, तो बहुत अच्छा लगा। कल मतलब मैंने डायरेक्टली यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखा कि क्यों हो रहा है, तो बाद में पता चला कि मतलब यूट्यूब पे कुछ बग चल रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें कुछ मतलब नया अपडेट करने के लिए वो लोग बना रहे हैं सॉफ्टवेयर को, तो उसके कारण मतलब सब उल्टा पुलटा हो गया था थोड़ा सा। तो आपका चैनल भी मतलब ऐसा हो रहा है तो मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, एक दो दिन लगेगा बोल रहा था। लेकिन मेरा कल शाम को मतलब एक वीडियो अपलोड किया था, आज सुबह आप लोगों को देखा ही होगा, हैप्पी बर्थडे का, बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो वो वीडियो जब अपलोड करने के जा रहा था मतलब मोनेटाइजेशन ऑन का ऑप्शन ही नहीं था, मैंने सोचा कि आज तो गया मेरा चैनल, एक तो ऑलरेडी गया जा चुका है, मतलब मोनेटाइजेशन कैंसिल हो चुका है क्योंकि वो सब रीयूज कॉन्टेंट था, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए आज का मुकबांग पे थोड़ा खाते खाते बात करते हैं। मणिपुरी खिचड़ी जो होता है वो ड्राई होता है, तो उसके कारण पानी पीना ज़रूरी है। आप लोग भी मणिपुरी खिचड़ी खाते हैं तो ज़्यादा पानी पीजिएगा। तो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ खाना के साथ पानी, पनीर को पहले साइड कर लेता हूँ, जो पानी का पीस पीस है। पनीर का दाम है शायद ना, इसलिए घर में जो बनाया है। दाम तो पता नहीं चल रहा है मुझे, पनीर पूरा मस्त बनाए तो मतलब थोड़ा सा पनीर और लेके आ गया, मम्मी लेके आ गया, उसको डाल देते हैं उसके यहाँ पे दीजिए। हाँ मैं मुझे पनीर पापा पनीर खड़ा पोतना अगर अपने, थैंक यू मम्मी, अभी बहुत सारे पनीर मिल गए।
तो देख सकते हैं पूरा खाली हो चुका है, तो इस जो लगा हुआ है उसको भी खा लेते हैं। पूरा खाली हो चुका है, तो पूरा तरकारी के साथ मिक्स कर लेते हैं सब्जी के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं पनीर को पीस पीस निकाल दिया गया है, खाएंगे अब। तो आपने मुझे पूछता है मतलब पहले आप थोड़ा पतला था, फटक से मतलब मोटा क्यों हो गया? तो गाइस आप लोग भी मोटा बनने के लिए आप लोग भी मुकबंग कीजिए घर पे, मतलब वीडियो पे अच्छा दिखाने के लिए मतलब बहुत खाना पड़ता है, तो उसके कारण जल्दी जल्दी पेट भर गया। और आप एक्सरसाइज करेंगे तो मेंटेन होके रहेंगे, तो आप लोग भी मुकबंग कीजिएगा। Finish guys. So guys, finish हो चुका है, देख सकते हैं दोनों खाली हो चुका है। तो guys मिलते हैं फिर next video में, और next video में क्या मुकबंग करके दिखाऊँ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक्चुअली मुझे नीम पात खाना बहुत पसंद करते हैं, करता हूँ एक्चुअली मुझे नीम पात खाना बहुत पसंद करता हूँ। तो आप लोग नीम पात खाने का चैलेंज करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फिर, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।